स्टूडेंट्स आपका अपने यूट्यूब में स्वागत है एक बार फिर से। सुनो बेटा, मैंने आपका मैंने मैंने एट तक मैंने करा दिया था और अभी हम आपको नाइन तक करवा रहे हैं, ठीक। तो नंबर देखिए, लिखा है ए बी, पहले नाम है बेटा ए बी, ध्यान दीजिए ए बी है, और ए बी के बाद बोला तीसरा पद यानी थर्ड टर्म। देखिए यानी ए एन को रखा तीसरा पद, तीसरा पद राइट, तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म मतलब ए थ्री, वैल्यू कितनी है चार राइट। ए थ्री मतलब कितना होता है ए प्लस टू, राइट। अब आ गया नौ में पर, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक से, एलिमिनेशन मेथड, ओके। क्या करेंगे हम, यानी वन माइनस टू, इसको लिखो ए प्लस टू डी बराबर फोर, इसको लिखेंगे ए प्लस एट डी बराबर माइनस आठ, कट गया। यहाँ लगा लीजिए प्लस माइनस प्लस राइट ना, देखिए ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्सटी, ये हो जाएगा बारह, डी का मान हो जाएगा बेटा बारह अपॉन सिक्स माइनस टू, डी का मान आगे माइनस टू राइट। और देखिए बोल रहा है डी का जो मान है, डी का जो वैल्यू है, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए वैल्यू इन वन यानी समीकरण एक से, एक कितना है ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी और चार फर्स्ट है डी को माइनस टू, ए प्लस टू इन टू माइनस टू और चार, ए माइनस फोर बराबर फोर, एक हो जाएगा फोर प्लस फोर कितना हो गया आठ, ए का मान हो गया आठ, डी का मान हो गया माइनस टू, ठीक है। अब बोल रहा है कौन सा शून्य पद, शून्य पद का मतलब हो गया ए एन बराबर जीरो राइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना होगा जीरो, ए का मान कितना है आठ प्लस एन माइनस वन, डी का कितना माइनस टू बराबर जीरो, प्लस कितना क्या होता है माइनस, यहाँ देखिए ए माइनस वन इंटू माइनस टू बराबर माइनस आठ राइट। चलो अभी जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको डिवाइड कर सकते, देखिए कर सकते हो चार, यहाँ देखिए ए माइनस वन बराबर चार, उसके आगे देखिए एन बराबर चार प्लस एक बराबर कितना हो गया पाँच, इससे नोट करिए एन का मान बेटा पाँच आ गया, तो जल्दी नोट करो। आगे बढ़े, देखो बच्चों आगे देखिए, दसवां बोल रहा है सत्रहवा पद, इस सत्रहवा जो पद है यानी सेवेंटी बटर, पहला आ रहा है ए सत्रह राइट, फिर आ रहा है दसवें पद ए दस यानी सत्रहवा यानी सेवेंटीन टर्म और टेन टेंथ में बोल रहा है कि जो सत्रह जो पद है उसमें सात अधिक है, यानी ये हमारा सात अधिक है, बोल रहा है
hasil ini saat adil. Right? Saat adil. तो देख लीजिए यहां इससे क्या होगा a plus 16d बराबर a plus 9 प्लस कितना होगा सिर्फ इसको देख लीजिए a plus 16d minus a इसको लीजिए 9 कितना होगा सिर्फ इससे ही कट जाएगा तो जगह 7 बराबर 7 d का कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 कट जाएगा कितना हो गया 1 d का मान कितना आ गया आपका 1 अब भूल गया है डी निकाला था तो आपका ये आपका आंसर है मतलब 17 यानी कि 17वां पद 17वां पद राइट एंटर बराबर क्या बोल रहा है 10th पद एंटर राइट देखिए मतलब क्वेश्चन जो भी बनाना हो ना क्वेश्चन को पहले हेडिंग देखो और बनाना 10वां हो गया इगारना क्या बोल रहा है मैं आपको पूरा बताता हूँ किस चीज़ का नाम है ना देखिए क्या बोल रहा है इगारना बोल रहा है कौन सा पद 94 पद से अधिक है पहले देखिए पहले एपी का नाम दिया है एपी का नाम क्या है 3, 15, 27 और 40 राइट अब यहाँ पर पहले हम मूल निकालते हैं यहाँ हो जाएगा ए वन यानी ए का मान 3 ए टू यानी 15 देखिए ए वन हमारा 3 आ गया ए टू हमारा 15 आ गया भाई साहब 3 का ए टू माइनस ए वन कितना हो गया 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 12 राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें दो पद का नाम आ रहा है 54वें पद से यानी कि जो n का जो पद है उनके 54 पद से देखिए एक तरफ पद आ रहा है पद का अब एक तरफ आ रहा है 54वां पद यानी 54 टर्म भाई इधर हो गया n राइट एक तरफ आएगा ए एन इधर आएगा ए चौन राइट चलिए 132 जो 132 है जो अधिक है मोर देन 132 यानी कि मोर देन 132 से अधिक राइट इसका मूल क्या होता है ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी राइट बराबर इसका हो जाएगा ए प्लस इन डी प्लस 132 राइट डॉट नहीं चलिए ए ए का मान कितना 3 ए माइनस वन डी का मान कितना है 12 चलिए ए का मान 3 डी डी का मान कितना है 12 क्लियर हो गया अभी हो जाएगा 3 इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12 एक साथ दीजिए 12 एक माइनस 12 बराबर 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो ये पर मल्टीप्लाई करिए 12 से कितना आ गया 6 5 10 यहाँ 3 यहाँ 5 फिर 36 प्लस 132 राइट देखिए इसको इस माइनस करिए माइनस में आएगा 12 एन माइनस 9 बराबर इस प्लस करिए 6 दो 8 तीन 4 3 तीन 6 और 7 छः एक सात राइट हो गया आगे देखिए सूत्र भी लो 12 एन बराबर 771 प्लस 9 कितना हो गया 780 12 एन
n बराबर 780 बटे 12, 12 से 72, 12 से 60, मैंने आंसर आ गया, इसी आंसर। जल्दी नोट करो। बड़े जल्दी नोट करो। अब है आपका 12 नंबर। देखो 12 नंबर क्या है, दो समांतर, दो पैरेलल, देखिए बोल रहा है दो समांतर से टू ए बी। देखिए एक तरफ बात आ रहा है, अब बोला कि दोनों का डी समान है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस यानी सारा अंतर प्रॉपर्टी यानी वो क्या है, समान है। राइट, दोनों का जो सारा अंतर है डी है वो क्या है, समान है। लो गया डॉट नहीं है, आगे देखिए। अब लिखा है देखिए दो चीज़ें, कॉलम बनाते हैं राइट, कॉलम बनाकर हम इसमें दो चीज़ बनाएंगे, एक ए के रूप में बी के रूप में। देखिए क्या लिखिए, ए और क्या लिखेंगे आप, ए वन प्लस ए माइनस वन इन टू बी, ये आपका पहला आ गया राइट। अब यह मानते हैं बी एन, पहला हो गया एन एकदम, दूसरा ए हो गया, क्या मानेंगे आप, यहाँ लिखेंगे बी एन बी वन प्लस एन माइनस वन इन टू बी बराबर राइट। अब ए था तो ए हो गया, अब एक बी वन हो गया, मतलब अपने आप से मैंने मान लिया दो क्वांटिटी जो है ना दो समान कर ठीक। आगे देखिए, अब लिखेंगे हम ध्यान दीजिए, समीकरण वन बराबर टू समान है, यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन वन इक्वल टू, ये बोला है ना, हाँ ये बोला था। आप क्या करेंगे देखिए, ए एन माइनस बी एन राइट, ए ना भी लिखेंगे ए ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू बी बोल दिया और माइनस माइनस में सर कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 7। अब हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू बी राइट, ब्रैकेट खोल दो, ए वन प्लस एन माइनस वन इन बी माइनस यह हो जाएगा बी वन माइनस एन माइनस वन इन टू बी, इससे आपका ए कट गया बराबर क्या बचा ए वन माइनस बी वन, यहाँ हो गया ए एन माइनस एक तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जो जो दोनों के समांतर है अंतर है कितना है 100, ध्यान दीजिए इसका अंतर कितना है 100 राइट, 100 का। तो अब उसी प्रकार जो संख्या का कितना पूछ रहा है सर, 1000 का पूछ रहा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए 1000 माइनस बी का 1000 बराबर, अब यह कितना था ए 100, मतलब जो संख्या जो संख्या जो हमारा आया हुआ है वो हमारा इस तरह से संख्या कि हम इससे पहले कितना आया 100, यानी कि 100 बस इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। यदि फास्ट तुम जाओ ये 100 का टर्म कितना था, 100 माइनस बी का 100 ठीक है, जब 100 का टर्म हमारा 100 आया नोट करो, समझ गए, मैंने आपको पूरी कॉलम बता दी, क्लिप बोर्ड तो नहीं है ठीक है। 12 हो गया,
Jawa. Cepat. आते तेरे नंबर क्या बोल रहा है तेरे को क्या बोल रहा है तीन अंकों वाली पहले सुन तीन अंकों कहाँ सुन तीन अंक यानी तीन दिन राइट कहाँ सुन तीन सौ से लास्ट दिन आने राइट बोल रहा है सात से विभाज डिवाइड यानी सात से डिवाइड बाई सेवन ओके अब देखिए सात से क्या क्या कटेगा सौ तो नहीं कटेगा पाँच बारह एक सौ पाँच वन जीरो फाइव वन पॉइंट टू इस राइट सात से कटेगा ही सात से डिवाइड करनी पड़ेगी भाई नाइन 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 सात आठ नौ नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा नाइन एंड नाइन एंड नाइन एट नाइन नाइन एट सात सात एक सात दो नहीं लगे आगे अठारह सन्तानवे छियानवे सात नाइन नाइन सिक्स मिल जाएगा दो बारह ये भी लगे नाइन नाइन फोर लगते हैं सात दो सात अट्ठाईस एट नाइन फोर क्या लिखेंगे हम नाइन नाइन फोर ओके ए वन क्या हमारा ए टू यानी ए हो गया ए वन ए हो गया ए टू ए देखिए ए वन यानी ए का मान हो गया एक सौ पाँच ए टू का मान हो गया एक सौ बारह टी ए टू माइनस ए बारह माइनस पाँच बराबर हो गया सात राइट चलिए ए एन का मान जो है कितना है नाइन नाइन फोर एन का मान कितना है नाइन नाइन फोर मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर नाइन नाइन फोर ओके ए का मान कितना है एक सौ पाँच एन माइनस वन ई का मान कितना है ई का मान सात बराबर नाइन नाइन ठीक है प्लस का क्या होगा माइनस एन माइनस वन इन टू सेवन बराबर नाइन नाइन फोर माइनस वन जीरो फाइव राइट क्योंकि हमने अंक अनुसार किया अब इसको माइनस करो चौदह में से पाँच लिया नौ फिर जाएगा आठ जीरो लिया आठ नौ से ए लिया आठ यहाँ लिया एन माइनस वन इन टू सेवन राइट यहाँ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होता है एन माइनस वन बराबर आर आर नौ राइट हो गया अब यहाँ सेव सेव से कटेगा ये हाँ सात इन सात सात इन चौदह सात इन चौदह राइट एन माइनस वन बराबर डिवाइड करना वन ट्वेंटी सेवन आएगा वन ट्वेंटी सेवन ओके माइनस कटे क्या हो जाएगा प्लस एन बराबर एक सौ सत्ताईस प्लस ए बराबर वन ट्वेंटी एट एन वन कितना हो गया वन ट्वेंटी तरी जल्दी वन ट्वेंटी ठीक है देखिए
चौथा है 10 से 250। देखिए ये भी तो है पर लिखना पड़ेगा 10 से लेकर 250 के बीच, ठीक लिखना तो है लेकिन हमें कौन सा लिखना है, हमें वो लिखना है जो 4 से डिवाइड होता है, गुणज होता है, यानी कि 4 से गुणज यानी कि मल्टीपल बाय 4। ओके अब यहाँ 10 है कितने कटेगा, 4 के 12 16 20। अब 4 से कटेगा 10 4 16 4 24 12 नहीं 248 मतलब आपको ए भी बनाना पड़ेगा, ये आपको हो गया ए, ये हो गया ए वन ए टू ए ए वन यानी ए 12 ए टू यानी 16 ए एन बराबर 248 राइट। बस लगा लो अब क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन एन टू। ओके एन का कितना है 248 248 राइट। अब ए का मान कितना है 12 प्लस एन माइनस वन टी, टी का मान कितना होता है टी निकाल दीजिए ए टू माइनस ए वन कितना है 16 माइनस 12 कितना हो गया 4 हो गया ना, यहाँ सा रखो चलो 12 कितने भेजो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस वन इंटू 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 8 यहाँ कितना हो जाएगा 246 बराबर एन माइनस वन इंटू 4 236 अपॉन 4 तो कितना हो गया एन माइनस वन राइट। फिर इसको डिवाइड करो इसे डिवाइड करो तो यहाँ देखो यहाँ 4 जो 20 4 236 एन माइनस वन राइट, मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस यानी 59 प्लस ए कितना हो गया जल्दी नोट करो ठीक है जल्दी नोट करते रहिए। आगे बढ़े प्लस
n माइनस वन ई का मान सात है अधिक तिरसठ प्लस गुना करिए टू एन माइनस टू बराबर तीन गुना करिए सात एन माइनस सात राइट चलिए इसको माइनस करिए इकसठ प्लस टू एन बराबर इसको माइनस करिए सात एन माइनस चार राइट चलिए अब आगे आपको हमेशा एक्स लिख सकते एन टू एन माइनस सात एन बराबर माइनस चार इधर भेजो माइनस सिक्स माइनस माइनस राइट माइनस फाइव एन से बढ़ जाएगा एन का मान हो जाएगा पैंसठ अपॉन पाँच कितना हो गया तेरह राइट तेरह का मान आपका हो गया तेरह कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों आज वक्त नहीं फिर हम आपको मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार।